दिल्ली विधानसभा में चुनाव में उतर रहा है, क्या उद्देश्य है उसके बारे में भी थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवारों की पहली सूची आज आपके सामने जारी की जाएगी। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हमने जो पिछले 4-5 वर्षों से मेहनत की थी दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति माइनॉरिटीज़ और ओबीसी, ये जो तबके हैं इनकी जो दिल्ली में जनसंख्या है करीब करीब 70% के आसपास है इनका वोट अपना, और जो डेमोक्रेसी हमारी उसमें जिसका वोट ज़्यादा होगा उसका नेता होना चाहिए। लेकिन अभी तक दिल्ली में जब से भी इसके चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री या सरकारों में अपना भागीदारी कैबिनेट में है वो नगण्य रही है, नाम मात्र की रही है। तो इसलिए जो हमारा उद्देश्य था कि आज हम यहाँ पर सब मिल कर के उन तमाम उन जातियों का जिनका संविधान में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होनी चाहिए थी नहीं हुई है उसको हिस्सेदारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं, और जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा अभी जो चुनाव में मैदान में उतरेंगे 70 सीटों हैं, 70 में से अभी हम 18 अपने कैंडिडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो नाम पेश कर रहे हैं, जो अभी तैयारी में जुड़ गए हैं हमारे साथी, और जिन जिन विधानसभाओं के नाम पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं उन साथियों से अपील करूँगा जिनके नाम मैं ले रहा हूँ जो हमारे कैंडिडेट आए, कृपया यहाँ सामने स्टेज पर आ जाएं। नई दिल्ली विधानसभा से तो मैं खुद मैदान में रहूंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, और सीमापुरी विधानसभा दो विधानसभाओं से क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं उनसे हिसाब चुकता करना है कि पिछले 5 साल का हमारी झाड़ू लेकर के हमारे लोगों के वोट लेकर के हमारे बजट का हिस्सा और हमारी तमाम जो नौकरियां थी और जो भी हमारे अधिकार थे वो नहीं दिए, और उधर सीमापुरी पे क्योंकि गौतम साहब राजेंद्र गौतम साहब वो अनुसूचित जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस समय सरकार में हैं, तो जब हमारा हिस्सा लुट रहा है तो यहाँ पर आप अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होने की हैसियत से आपने उस सरकार में क्या विरोध किए, क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया, क्यों नहीं आप समाज को लुटते हुए जब देख रहे थे तो क्यों नहीं आप आए समाज के साथ खड़े हुए, तो उनसे भी हिसाब चुकता करना, इसलिए दोनों सीटों से मैं इनको खुद चुनौती दूंगा। नरेला विधानसभा से हमारे मास्टर रमेश जी हैं, मैं उनसे कहूंगा आ जाएं, मास्टर रमेश जी जो प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं और अभी हमारे इस युद्ध में अधिकार के युद्ध में वो हमारे योद्धा हैं, नेतृत्व करेंगे। मास्टर रमेश जी प्लीज़ वेलकम, इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए मास्टर जी। बवाना विधानसभा से हमारे समाज सेवी कपूर सिंह तंवर साहब, हाँ अच्छा थोड़ी थोड़ी सी चेयर आइए 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 उधर आप आइए कपूर, हाँ अच्छा आप लोग पीछे आ जाइए, पीछे 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 करा भाई थोड़ी और करके ना, कपूर सिंह तंवर साहब आइए, ये समाज सेवी हमारे, ये बवाना से चुनौती देंगे। सुल्तानपुर माजरा से हमारे समाज सेवी हैं श्री विजय जी, विजय आए आइए, साथी जोरदार ताली बजाते रहे, हमारे जो साथी पीछे बैठे हैं जोरदार का हर्षोल्लास करते रहे। मंगोलपुरी विधानसभा से वहाँ से हमारे दीपक कुमार जी, दीपक कुमार पिहाल जी हमारे क्रांतिकारी योद्धा हैं, नगर निगम में नेता हैं हमारे, और अपने अधिकार लेने के लिए अब ये कुछ चुनौती देंगे। तिमारपुर विधानसभा से हमारी बहन कविता पिहाल जी आ गई क्या, कविता पिहाल जी आई हैं, अच्छा वो अभी आ रही है रास्ते में। त्रिलोकपुरी विधानसभा से हमारे साथी जो टीचर हैं दिल्ली सरकार में टीचर हैं, रडॉक पे हैं, पिछले 25 वर्षों से इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, टीचर्स को जो इन्होंने अधिकार नहीं दिए हैं वो खुद मैदान में आ रहे हैं, अजय चौहान साहब हमारे आए हमारे बिल्कुल, ये टीचर हैं अंग्रेजी मैथ के टीचर हैं हमारे दिल्ली सरकार में मौजूदा, नौकरी दाव पे लगा के मैदान में चुनौती दे रहे हैं। राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारी बहन समाज सेवी शशिराज जी वो मैदान में आए, कृपया बहन शशिराज जी कुछ लोग उस तरफ थोड़े थोड़े उधर को आप थोड़े उस तरफ होते रहिए ना, इधर जगह छोड़,
अच्छा, मादीपुर विधानसभा से हमारे साथी ब्रह्मपाल जी हैं, वो रास्ते में अभी पहुंचने वाले हैं, सूचना मिली है। गोकुलपुर विधानसभा से हमारे युवा नेता अनिल कुमार जी हैं, समाज सेवी हैं, अनिल कुमार जी हैं, बहुत क्रांतिकारी साथी हैं। आर के पुरम विधानसभा से हमारे राहुल कंडेरा जी, राहुल कुमार कंडेरा जी युवा साथी हमारे। देवली विधानसभा से हमारे रोशन लाल जी, हमारे प्रधान रोशन लाल जी समाज सेवी हैं, आइए। अंबेडकर नगर विधानसभा से हमारे साथी नौजवान साथी अमित कुमार जी, आइए। बुराड़ी विधानसभा से हमारे साथी अनिल कुमार यादव जी युवा साथी, आइए। कालकाजी विधानसभा से हमारी बहन कुमारी प्रिया पवार, कृपया आइए। हमारे दो कैंडिडेट, एक तो मॉडल टाउन से, एक तिमारपुर और हमारे मादीपुर से, तीन साथी हमारे अभी ऑन दी वे हैं, वो पहुंच रहे हैं। तीन विधायक जो हमारे उम्मीदवार होंगे इन इलाकों से, और ये हमारे सब साथी हैं जो यहां पर आपके सामने सूची 18। अभी पहली सूची हम अपने अलायंस की पहली सूची अभी हम जारी कर रहे हैं आपके सामने। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।